और एक दवा बताता हूँ, वो भी आपके बहुत काम आएगी। ये जो चूना होता है ना, पानी में खाते हैं चूना पत्थर वाला, ये 70 बीमारियां ठीक कर देता है अकेला चूना। 70 बीमारी ठीक, क्या क्या बीमारी ये ठीक करता है? जैसे किसी को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस है ना, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिला के पिलाओ, जिसको पीलिया हो बहुत जल्दी ठीक कर देता है। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को नपुंसकता है, इम्पोटेंसी है, पुरुष के वीर में शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, आप उसको चूना खिलाते हो गन्ने के रस, साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगते हैं। माताओं के लिए भी बहुत काम था, जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। और ये चूना बच्चे लोग सब सुने, विद्यार्थी आपको अगर लंबाई बढ़ानी है तो चूना खाओ, लंबाई बहुत बढ़ती है। कैसे खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाओ, और दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पानी पीओ, चूना खाओ, लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई तो बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है चूने से, याद बहुत रहता है। जो बच्चे हर दिन चूना खाएंगे उनको स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, याद बहुत होता है। और ये बच्चे लोग और ध्यान से सुने, कई बार आपको ऐसे बच्चे दिखाई दें जिनकी बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, जिनका दिमाग कम चलता है, देर में काम करते हैं, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, वो सभी बच्चों को चूना खिलाइए, बहुत अच्छे हो जाएंगे। कितना खिलाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर। किस में खिलाएंगे? या तो दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो पानी में, नहीं तो गन्ने के रस में, संतरे के रस में, मौसमी के रस में। ये बहनें सब सुने इस बात को ध्यान से, हमारे घर में जब बहनों को मासिक धर्म होता है मेंसेस का, उस समय कुछ भी तकलीफ होती है तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। मासिक धर्म की, मेंसेस साइकिल की जितनी बीमारियां हैं चूना सबको ठीक कर दे। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। सभी माताओं को बताइए, गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दही में, लस्सी में, दाल में, नहीं तो पानी में घोल के पीना। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो आप उसको जरूर बोलो कि चूना रोज खाए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। कितना चूना खिलाना? गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। और किस चीज में खिलाएं? गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए ये अनार के रस, अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला के रोज खिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगा। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा, बहुत हेल्दी बेबी होता है। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी गंभीर बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है।
जिस बच्चे की मां ने गर्भावस्था के समय 9 महीने चूना खाया अनार के रस में, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है, उसका IQ बहुत अच्छा है। तो ये चूना है ना, बहुत बढ़िया है, आप इसको खाओ। और क्या क्या काम करता है ये चूना? घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है, एक खतरनाक बीमारी है ना स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाता है। कई बार हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके जो मनके होते हैं ना, इनमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, ये चूना ही ठीक करता है फिर इसको। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। चूना खाओ, बहुत अच्छा, समय सवेरे खाली पेट है जी। हाँ हाँ करते हैं ना। और बताता हूं आपको, मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाए, तुरंत ठीक हो। मुंह में छाले हो गए हैं, चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो। ये जो चूना है तब जरूर लेना जब खून कम हो जाए शरीर में, एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या तो संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बढ़ता है। 1 कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना। आपके शरीर में है? नहीं, सुबह खाली। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के वो सब लोग जो चूने का पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू खतरनाक। चूना अमृत है, तंबाकू जहर, तो चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए, और पान खाइए चूने का, उसमें कत्था मत लगाइए। ये जो आप कत्था लगाते हैं ना, ये कैंसर करता है कत्था। पान खाइए, चूना लगाइए, कत्था मत लगाइए, सुपारी मत डालिए, सौंफ डालिए उसमें, इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए पान में, चूना लगाते, तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं, कत्था। साइटिका में चूना बहुत अच्छा काम है, आगे देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मत कराइए। अगर आपके घुटनों में घेसाव आ गया और डॉक्टर कहता है ये घुटने बदल दो, तो भी जरूरत नहीं, चूना खाते रहिए। और मैंने जो बोला हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। मेरा सबको ये कहना है, चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। आजकल अपने देश में चूना लगाने वाले बहुत हैं, ये भगवान ने खाने के लिए दिया। और भारत में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो रोज देश को चूना लगा रहे हैं।